नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम बनाएंगे 1,00,000 रुपीस का पोर्टफोलियो। ठीक है, 1,00,000 रुपए को आज की डेट में, डेट है आपकी आज की 31 जुलाई 2022, कि कैसे इन्वेस्ट किया जाए, इसको कैसे इन्वेस्ट किया जाए। सबसे पहला, अपना इन्वेस्टमेंट सेफ भी रहे, बैलेंस भी रहे, ठीक है, और ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव से भी रहे, उसमें फ्यूचरिस्टिक कंपनियां जो आगे जाके मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं शामिल कर पाए। तो इन सब का मिला जुला के, डाइवर्सिफिकेशन करके, डाइवर्सिफाइड बिजनेस करके, इन्वेस्टमेंट करके, हम ऐसे कौन से स्टॉक चुने कि 1,00,000 रुपीज का जो अपना इन्वेस्टमेंट हो 3 से 5 साल कह लीजिए आप, यानी 2025 मिनिमम हमारे 1,00,000 रुपए कम से कम 3 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक बन पाए। तो इस प्रकार से इसको कैसे इन्वेस्ट किया जाए वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो हमने जो चुने हैं स्टॉक दोस्तों, वो चुने हैं 6 स्टॉक, जिसमें 2 स्टॉक हमने ऐसे चुने हैं जो कि वेल स्टेब्लिश बिजनेस है, ठीक है, ऑलरेडी स्टेब्लिश है, जिसमें हम लगाएंगे 20,000 रुपीज, ये हो जाएंगे आपके 40,000। बाकी 4 स्टॉक हमने ऐसे सुने हैं जो कि जिसमें हम 15,000 रुपए लगाएंगे, ये टोटल हो जाते हैं आपके 60,000 रुपीज, और कुल मिला के प्लस ये हो जाएंगे आपके 1,00,000 रुपीज। तो ये जो 15,000 रुपए जिन 4 स्टॉक में लगा रहे हैं दोस्तों, ये सारे के सारे स्मॉल कैप बिजनेस हैं, जो कि आगे आने वाले टाइम में लार्ज कैप बिजनेस बनेंगे। ठीक है, जो कि आगे आने वाले टाइम में लार्ज कैप बिजनेस बनेंगे, इनको अभी पकड़ना है। ठीक है, मैं आपको छोटा सा बताऊं दोस्तों, जैसे बजाज फाइनेंस का जो स्टॉक है, आज जब गिरता है तो दुनिया उसको लपक के खरीदती है, बट पैसा किसने बनाया उसमें, मल्टी बैगर रिटर्न किसने बनाए उसमें, जिसने उसको या तो 2008 में कभी पकड़ा हो, या आप कह लीजिए 2012 से पहले पकड़ा हो, जहां पे ये 300 से 500 के बीच में ट्रेड करता था, और यहां तो ये 100 से 150 के आसपास, उससे भी नीचे था। तो जिसने इस पीरियड में बजाज फाइनेंस को पकड़ा है ना, जब लोगों को नाम भी नहीं पता था कि बजाज फाइनेंस है कौन सी कंपनी, वो आज पैसा बना के बैठा है, वेल्थ क्रिएट करके बैठा है। तो अगर आप फ्यूचर में कौन से बिजनेसेस की जरूरत होगी, कौन सी इंडस्ट्री अपनी आगे आएंगी, किसका ज्यादा काम होगा, वैसे स्टॉक अगर आप पकड़ पाते हो, मतलब सेक्टर पकड़ पाते हो, उनमें फिर स्टॉक पकड़ पाते हो, तो आप एक अच्छा पैसा बना सकते हैं, जो कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो प्रॉफिट है, ठीक है, वो आपकी वेल्थ क्रिएट करे, आपको ऐसा एक पैसा बना के दे सकता है कि आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं, जैसे बच्चों को अब्रॉड पढ़ाई करवा सकते हैं। ठीक है, कोई फ्लैट आप खरीद रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर ये पैसा हो सकता है। इस प्रकार से आपको असेट बिल्डिंग में, ठीक है, असेट बिल्डिंग में बहुत मदद करेगा ये वाला पैसा। तो ऐसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए फिलहाल। तो सबसे पहले चलो हम शुरू करते हैं जो हमारे स्टॉक्स होंगे दोस्तों। सबसे पहला स्टॉक है इंफोसिस। ठीक है, इंफोसिस आपको याद होगा, वैसे तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं मिशन 2030 में, मतलब जिसमें नेक्स्ट 9 साल के लिए आपको पर्सनल हैंड होल्डिंग चाहिए कि कब बाय करना है, किस स्टॉक में बाय करना है, किस स्टॉक को कब उठाना है, तो आप सिर्फ 15K चार्जेस हैं इन 9 सालों के, 9 ईयर्स के, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको मैं पर्सनली बताऊंगा ईच मंथ कौन सा स्टॉक बाय करना है, और जो मेरे रडार पे है, कुछ छुपे रुस्तम, कुछ ऐसे स्टॉक जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं, बिजनेसेस अभी जस्ट स्टार्ट हुए हैं, बट आगे आने वाले टाइम में दे कैन बी मल्टी बैगर। ठीक है, तो मुझसे जुड़ सकते हैं आप, वेल्थ क्रिएट कर जाएंगे, ये मैं आपको दावे से बोलता हूँ। ठीक है, बट आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा, मंथली इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा, जब मैं बोलूँ जब इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप मंथली सिर्फ 500 रुपये भी इन्वेस्ट कर पाते हैं, तो हम इस प्रकार से इन पैसे को ऐसे इन्वेस्ट करेंगे 2030 तक आप एक अच्छा पैसा बना जाएंगे। ठीक है, आप अच्छे रिटर्न ले जाएंगे मार्केट से,
मैं आपको ये बता सकता हूँ इन्वेस्टमेंट के जरिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा टूल है और आगे आने वाले 10 से 20 साल इंडियन कंपनी ऐसे ग्रो करेंगी आप मतलब विश्वास नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हमारा देश मतलब इतना ग्रोथ आने वाली है नेक्स्ट 20 ईयर, ठीक है। चलिए आइए, सबसे पहला स्टॉक आपकी स्क्रीन पे ये इंफोसिस। अब जब मैंने मिशन 2030 स्टार्ट किया था दोस्तों, मैं कभी आईटी के स्टॉक रिकमेंड नहीं करता था। क्यों? क्योंकि स्टॉक की वैल्यूएशन बहुत महंगी थी। TCS 4000 पे ट्रेड कर रहा था, इंफोसिस 1900 प्लस पे ट्रेड कर रहा था, विप्रो 700 के करीब ट्रेड कर रहा था। वहां इनको बाय नहीं करना था, वहां तो इनकी वैल्यूएशन बहुत महंगी थी। आज आप इंफोसिस की वैल्यूएशन देखिए 29.3 की पीई है। अब इसमें इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। करंट प्राइस फिलहाल 1550 है और ये स्टॉक की पीई आपको 23-24 तक भी मिल रही थी जब ये 1400 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ये देखिए 1367 का तो लो है, बट फिलहाल भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। नीचे गिरे और लगाइए। 29.3 ब्लू चिप कंपनी है और ये कंपनी आगे वाले आने सालों में भैया एप्पल, IBM, ठीक है, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट इनके बराबर हो जाएंगे नेक्स्ट 10 से 15 सालों में। फॉरन में जाके HCL, टेक, TCS, इंफोसिस, इन्होंने छोटी छोटी कंपनीज को जो यूरोपियन बिजनेसेस में है वहां पे एक्वायर करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। न्यूज मिलती रहती होगी आपको, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 37.1%, ROE देखिए 29%। आंख बंद करके पैसा लगाइए, नीचे गिरे और लगाइए। तो फिलहाल आज की डेट में अगर हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं, इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं अपने ₹20,000, 1,00,000 में से हमने 20,000 इसमें से लगा दिए, अब बचे हमारे पास 80,000। दूसरा जो स्टॉक में लेके आया हूं दोस्तों, वो भी एक बैलेंस हमारे जैसे इंफोसिस, किसी को कोई शक ही नहीं है भैया ये कंपनी पिट सकती है और गिरेगा भी तो स्टॉक ज्यादा नहीं गिरेगा, ठीक है। देखिए जब भी गिरावट आती है निफ्टी, अगर आपका मान लीजिए 10,000 भी आ गया, हो गई वर्ल्ड वॉर, ठीक है, 10,000 से नीचे भी आ गया, कंपनी सबसे ज्यादा गिरेंगी स्मॉल कैप। स्मॉल कैप सबसे ज्यादा करेक्ट करते हैं ये, 70-80% भी करेक्ट कर जाते हैं, ठीक है, 70-80% भी करेक्ट कर जाते हैं। मिड कैप जो होते हैं वो 60-70% आराम से करेक्ट कर जाते हैं। जो मिड कैप स्टॉक, जो लार्ज कैप होते हैं जैसे कि आपका इंफोसिस है, इनमें भी 50% तक गिरावट आराम से आ जाती है जब भी कभी वर्ल्ड मार्केट में क्रैश और रिसेशन आती है। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट इसमें होनी चाहिए, ये हमको बैलेंस करते हैं, हमारे पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हैं। तो 1,00,000 का जो हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं उसमें हमको ये जो है एक सेफ बैट दिखती है इन्फोसिस बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो सारे सेफ बैट जो मैं आपके लिए लेके आया, पर हमें डाइवर्सिफाइड होकर चलना चाहिए और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करते हुए चलना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हुए चलना चाहिए। तो इन्फोसिस हमने 20,000 लगा दिए। अगला स्टॉक आता है दोस्तों, ये भी एक अच्छी खासी कंपनी है, डीवीज लेबोरेटरी, ठीक है। और जो माइग्रेन की कौन सी दवाई है उसमें तो इनकी मोनोपोली है पूरी दुनिया में, उसमें इनकी मोनोपोली है। और ये भी बढ़िया 1,00,000 प्लस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, स्टॉक की पी 34.3 है, बढ़िया है, 50 से नीचे है, अच्छी खासी वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, ROC 35.1%, ROE 28%, रिटर्न ऑन एक्विटी भैया ये 20-20% से जिसकी ऊपर है कंपनी अच्छा काम कर रही है, उठाइए। पी को चेक करिए, 50 से नीचे हो बिंदास बाय करिए, ठीक है, 50-51-52 इसके आसपास है, क्योंकि अच्छे बिजनेसेस सस्ते मिलना बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। और इसको बाय करना है दोस्तों आपको करंट प्राइस इसका 3832, ठीक है, हालांकि ये 3300 के भाव तक भी आ गया था, मैंने देखा था इसको, बट फिलहाल भी आप बाय करके चल सकते हैं। 34.3 की इसकी पी है, ये देखा 3365 ये इसका लो, यहाँ पे इसको बाय करके आप चल सकते हैं। इसमें आप हम लगा देंगे अपने 20,000, ठीक है। तो अब हो गए अपने कितने, 40,000 हम इन्वेस्ट कर चुके हैं और ये सेफ बैट में इन्वेस्ट कर सकते। अब बारी आती है ग्रोथ फ्यूचर स्मॉल कैप साइज जो बड़े हो जाएंगे। ये देखो KEI इंडस्ट्री, आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है, कृष्णा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री जो केबल्स वायर में है, बहुत जबरदस्त कंपनी है, मात्र 11,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक ठाक है, ठीक है। स्टॉक की पी 27 की है, सस्ता है, उठाइए। ROC देखिए 24%, ROE देखिए 19.2%। आप स्मॉल कैप क्या कहते हैं SIP के लिए कोई स्टॉक ढूंढते हैं ना कि भाई SIP हमें हर मंथ SIP करनी है, ये बहुत बढ़िया स्टॉक, ठीक है, इसको आप चुन सकते हैं।
बढ़िया एसआईपी करते चलिए, नीचे गिरेगा कभी तो नीचे के भाव पे खरीदा जाएगा, ऊपर जाएगा कभी तो ऊपर के भाव पे खरीदा जाएगा, बिंदास इन्वेस्ट करते हुए चलिए। स्टॉक का हाई देखिए कितना है, 1377, ठीक है। स्टॉक का लो कितना है, 698, अभी फिलहाल आपको अवेलेबल है 1238 पे, अभी भी अच्छी वैल्यूएशन पे। मेरा कहने का मतलब यह है अभी भी जो वैल्यूएशन है, जो प्राइस टू अर्निंग है वो बढ़िया है, उठाइए इस स्टॉक को। तो इसमें इन्वेस्ट करेंगे हम दोस्तों 15,000 रुपए, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक अच्छा खासा फ्यूचर ग्रोथ ग्रोथ वाला, जिसमें आगे जाके पोटेंशियल बहुत है, स्पेस बहुत है ग्रो करने का। अगले 15,000 हमें लगाने हैं दोस्तों टार्सन प्रोडक्ट। ये कंपनी भी बहुत जबरदस्त कर रही है, डिजाइनिंग डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमेबल्स, जो कि होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज होते हैं लैबोरेटरीज के अंदर, ठीक है। पूरे के पूरी है फार्मास्यूटिकल कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बहुत मेरा पसंदीदा स्टॉक है आज की डेट में। स्टॉक की पी 43.3 चल रही है, करंट प्राइस 819 है, हाई है 929 का और लो है 539 का, बट वैल्यूएशन अभी भी इन्वेस्टमेंट करने लायक है। आरओई ठीक है 27.4%, आरओसी 35.3%, मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 4,300 करोड़, एक स्मॉल कैप साइज, ठीक है, एक स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। बट आप देखिएगा आगे जाके यही कंपनी 2 से 3 साल में मिड कैप साइज की बनेगी, आगे से 10 साल के अंदर यही कंपनी लार्ज कैप साइज की बनेगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमने कर दिए कितने, 15,000 इन्वेस्ट, ठीक है। अब तक हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई है कितनी, 70,000 की, बचे हमारे 30,000। तो जो अगले दो स्टॉक है उसमें सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड, करंट प्राइस 303। इसको मैंने अपने मिशन 2030 के जो मेंबर हैं 180 से लेके 200 के बीच में भी बाय करने को दिया हुआ है कि बाय करिए इस स्टॉक को, ठीक है। ये ऑलरेडी उनको 50-70% रिटर्न दे चुका है बना के, 350 के लगभग, 394 का तो हाई है, लो 150 का है। अभी 3 से 4 महीने पहले की बात है, फरवरी मार्च के लगभग ये स्टॉक 200 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहीं पे मिशन 2030 वालों ने पकड़ा हुआ है। तो वीडियो बनाने में दोस्तों टाइम लगता है, संडे देखते हैं, वीकेंड देखते हैं, जुड़िए। मात्र 15,000 रुपए में आप क्या बना जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,943 करोड़ का और स्टॉक की पी अभी भी बहुत सस्ती है, 14.6 की पी अभी भी है। हमने तो इसको 9 की पी पे पकड़ा हुआ है भाइयों, 9-10 की पी पे, ठीक है। तो अभी भी बहुत सस्ता है स्टॉक, बाय कीजिए। स्टॉक है किसमें, जो स्टार्च डेरिवेटिव, सोया डेरिवेटिव, फीड इंग्रेडिएंट्स, कॉटन यान, इनके एक्सपोर्ट को करता है और गुजरात बेस्ड एक कंपनी है और इसका जो बिजनेस मेज प्रोसेसिंग इन चीजों में। कंपनी की आरओसी देखिए 30.4%, कंपनी की आरओई देखिए 25%। मुंह के अंदर पानी आ जाता है कि ऐसे बिजनेसेस इतनी स्मॉल के साइज पे और इस पी पे तो अभी इन्वेस्ट करना है। कभी बजाज फाइनेंस भी ऐसे पे था, कभी टाइटन भी ऐसे पे था, कभी पीडी लाइट भी ऐसे पे था, ठीक है, उनकी ग्रोथ स्टोरी देखिए। कभी आईसीआई बैंक भी आपका 50-60 के भाव पे था, 100 के भाव पे था, तब पकड़िए उन बिजनेसेस को, ठीक है। और इसका टारगेट तो मेरा 2000 है, इस प्रकार का स्टॉक है ये। आ गया टार्सन भी 2000, ये जीएल भी 2000, 3 से 5 साल के अंदर अंदर देख लीजिएगा, ठीक है। दीपक नाइट्रेट भी मैंने 400-500 पे बोला था एक बार, कभी गया स्टॉक वो 3000 के लगभग, तो बाय करिए, बहुत बढ़िया स्टॉक है, इसमें भी आप 15,000 रुपए लगा के चले। तो लास्ट स्टॉक जो हमारा बचता है ये है दोस्तों वीगार्ड, 226 इसका प्राइस है। अब वीगार्ड आपने सुना होगा, सबसे पहले आपको याद होगा वीगार्ड सुनती है आपको ना स्टेबलाइजर याद आते होंगे, जो वोल्टेज को स्टेबलाइज करने का काम करते थे। बट आज की डेट में वीगार्ड भैया, वीगार्ड आज की डेट में मिक्सर बना रहा है, ठीक है, बल्ब बना रहा है, ठीक है। वोल्टेज स्टेबलाइजर तो खैर आपने इसकी शुरुआत ही सुनी होगी और बहुत इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट इसके आपको आपके घर में या बाहर दुकानों में देखने को मिल जाएंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन 9761 करोड़ का, स्टॉक की पी 38.1 करोड़ की। तो जितने भी मैंने स्टॉक की पी आपको सजेस्ट किए सब 50 के अंदर है, मतलब
वैल्यूएशन उनकी अच्छी है, अपनी औकात में है, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे टाटा एलेक्सी, अरे भैया 200-300 की पी पे ट्रेड कर रहे हैं। कुछ बिजनेसेस होते हैं दोस्तों जैसे 70-80 की पी पे आपको मिले, आप वहां ही से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिनमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत अच्छा करेंगे। जैसे अपोलो हॉस्पिटल, हॉस्पिटल बिजनेस पिटने ही नहीं वाला, लोगों का खाना पीना ऐसा हो गया, जो 70-80 साल की उम्र में हॉस्पिटल के दर्शन करता था, आजकल लोग 30-40 की उम्र में वो बीमारियां लेके हॉस्पिटल के दर्शन कर रहे हैं, ठीक है। यूरिया वगैरह इतना केमिकल यूज होने लग गया है अपना खेती में, तो कैंसर तो ऐसे फैल रहा है बस पूछो मत। तो हॉस्पिटल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखेंगे आप आरओसी 21.8%, आरओई 17.4%, तो इसमें भी हम अपने लास्ट 15,000 रुपये लगाते हैं, तो कुल मिला के हमारी इन्वेस्टमेंट आज की डेट में 1,00,000 रुपीज हमने कर दी है। 6 स्टॉक हमने पकड़े हैं, सबके सब डाइवर्सिफाइड बिजनेस, एक हमने केबल वाला लिया है, एक हमने फार्मा लेबोरेटरी से लिया है, एक हमने आईटी का स्टॉक लिया है, एक हमने टार्सन, ये अलग ही टाइप की कंपनी है, और एक हमने जीएल लिया है जो इनको एक्सपोर्ट करते हैं, जो मेज स्टार्च कॉर्न वगैरह ये सब चीजें। तो ये 1,00,000 रुपये आपके मुझे लगता है 2025 तक मिनिमम 3 से 4 लाख रुपये हो जाने चाहिए, ठीक है। आप इनमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, सारे स्टॉक बढ़िया हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और 2030 तक आप वेल्थ क्रिएट कर जाएंगे, ये मैं आपको दावे से बोलता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्टॉक तो आप दुनिया के देख लेते होंगे पूरे यूट्यूब में, ये स्टॉक अच्छा है, वो स्टॉक अच्छा है, ऐसा अच्छा है, पर पोर्टफोलियो कैसे बनाएं मैक्सिमाइज रिटर्न लेने के लिए प्लस उसको बैलेंस रखते हुए, इसलिए मैंने ये इनिशिएटिव शुरू किया है। अभी मैंने 50,000 रुपये का पोर्टफोलियो आपके साथ एक शेयर किया था, आज 1,00,000 रुपये का पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर किया है। इसके बाद मैं लेके आऊंगा आपके लिए 2,00,000 रुपये का पोर्टफोलियो। फिर कुछ लोग हैं जो थोड़ा अच्छा पैसा रखते हैं, तो उनके लिए 50 लाख और 10 लाख, इसके बाद 25 लाख, इनमें भी कैसे स्टॉक में लगाया जाए, वो सब भी वीडियो में धीरे धीरे करके लेके आता रहूंगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन बटन जो है दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।